भारी बारिश भी नहीं हिला पाई उनको अपनी जगह से। सहायक पुलिस कर्मियों की कब होंगी मांगे पूरी, सरकार से हुई वार्ता को भी ठुकराया। हमारी मांगे कैबिनेट में नहीं मानी जाती तब तक रहेगा आंदोलन जारी, अपनी मांगों पर मरने को है तैयार। सहायक पुलिस कर्मियों ने सरकार के वार्ता को ठुकराया। आंदोलन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन खत्म नहीं होगा। सोमवार को हुए सरकार के साथ संघीय वार्ता को मंगलवार को सहायक पुलिस कर्मियों ने ठुकरा दिया है। सहायक पुलिस कर्मियों ने अपने आंदोलन को आगे भी जारी रखने का ऐलान कर दिया है। सहायक पुलिस कर्मियों के अनुसार सरकार के साथ हुई वार्ता में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, उनका कहना है वे मांग 24 तारीख को होने वाले कैबिनेट में मान ली जाती तभी वे अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। जब तक सरकार उनकी मांगों को कैबिनेट में नहीं ले आती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड ब्यूरो आकाश शर्मा की रिपोर्ट। कल का जो सरकार के 6 प्रतिनिधियों द्वारा और हम लोग के प्रतिनिधियों के बीच लगभग 8 से 10 घंटे विमर्श हुए और काफ़ी प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति, तनाव, सुझाव एन केन प्रकारेन सभी तरह के बिंदु पर चर्चा हुए, विमर्श हुए, जिसमें हम लोग के जो मांग था एकमत से समायोजन का, तो समायोजन के रूप में बोला गया कि आपको डायरेक्ट समायोजन नहीं किया जाएगा, आपका आरक्षण देकर समायोजन किया जाएगा। तो उसमें पहला बिंदु इसी पर बहस हुआ, चर्चा हुआ कि होम गार्ड में 10% आरक्षण दिया जाएगा, वनरक्षी में 10% आरक्षण दिया जाएगा और उत्पाद सिपाही में आरक्षण दिया जाएगा। तो उसमें जो भी समझ था हमारा प्रतिनिधित्व में, हम लोगों ने जितना बुद्धि विवेक, शिक्षा दीक्षा, झूठ सच, इसको जिस दृष्टिकोण से देखी जाए, हम लोगों ने उस पर बोले कि श्रीमान आरक्षण तो ठीक है लेकिन जिला बल में भी विचार किया जाए, क्योंकि समझने में और भाई लोग के जब चर्चा में आया कि उत्पाद सिपाही झारखंड निर्माण के बाद पहली बार आया, उत्पाद से और वनरक्षी 12 बरस में एक बार आया और उसमें 10 बरस में मेरा आयु सीमा में छूट का जिक्र था, तो इस सहमति पर आगे बढ़े हम लोग। फिर उस समय हा ना में एक अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया कि आपका 1-2 महीना के अंदर इसका विज्ञापन आएंगे और आपका निदान होगा, अरे विज्ञापन आएगा आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इसमें उन लोग बात मान लिया जाए, बाबू ये होगा, हम लोग आपके साथ हैं, ये आपको लाभ मिलेगा, समझ करो, धैर्य का परिचय दो, विवेक का परिचय दो। तो उनमें हा ना में हम लोग उन लोगों के बातों को सम्मान करना बोलिए, चाहे अपना ना समझी बोलिए या झूठ बोलिए या सच बोलिए या लालच बोलिए या लोभ बोलिए, उस परिस्थिति में हम लोग ने बोला कि चलिए इस बिंदु पर हम लोग अपना सहमति जताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मानदेय पर बात फिर आया आगे, तो मानदेय पर बोले कि 25% का वृद्धि किया जाएगा। तो हम लोग बोले कि श्रीमान आज के युग में अगर 10,000 का 25% होता है तो 12,500 होता है, उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो पुलिसिंग विभाग में 12,500 में देंगे शांतिपूर्वक, जब तक कि जो सहमति बनी है उस पर पुनर्विचार करते हुए, खास करके वेतन वाला जो विषय है उस पर विशेष तौर पर पुनर्विचार की मांग करता हूँ सरकार से, तब तक उसके बाद कैबिनेट में पारित हो, हम लोग बम पड़ाका फोड़ेंगे, मिठाई खिलाएंगे और मोराबादी से घर जाएंगे। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।